नमस्कार दोस्तों, मैं जय किसान आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जय इन्फो में। दोस्तों, टैली 89 के फुल कोर्स का ये हमारा 6 नंबर वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग टैली के जरूरी चीज़ों के बारे में समझेंगे, जैसे कि प्रोफेशन किसे कहते हैं, बिजनेस क्या होता है, ऑनर किसे कहते हैं और अकाउंटिंग क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने जाने हैं इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में इनकम्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, एसेट्स, टैली के सिलेबस और उसके बाद जो है डिप्रिसिएशन के बारे में जाने थे। तो अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो इनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के इन सभी वीडियोज को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग आज के इस वीडियो में अकाउंटिंग, ऑनर और बिजनेस के बारे में जानेंगे और साथ ही हम लोग प्रोफेशन के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रोफेशन के बारे में जान लेते हैं। प्रोफेशन, आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम या साधन जिसके लिए पहले से ट्रेनिंग की जरूरत होती है उसे हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट द्वारा किया गया कार्य भी प्रोफेशन कहलाता है। इसके बाद आगे जान लेते हैं बिजनेस क्या होता है। बिजनेस लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया क्रय विक्रय यानी बाइंग एंड सेलिंग व्यापार कहलाता है। इसके बाद जान लेते हैं कि ऑनर किसे कहते हैं। दोस्तों, वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं और व्यापार को संचालन करते हैं, साथ ही व्यापार के जोखिमों को सहन भी करते हैं तथा लाभ हानि के अधिकारी होते हैं, व्यापार के ओनर कहलाते हैं। यदि व्यापार का मालिक एक व्यक्ति हो तो वह एकाकी व्यापारी यानी कि प्रोपराइटर कहलाता है और यदि मालिक दो हो या दो से अधिक हो तो साझेदार यानी कि पार्टनर्स कहलाते हैं। पर यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कंपनी के साथ कार्य करते हैं तो वे उस कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके कमेंट कीजिए, जिससे हमको पता चले कि आप समझ गए हैं। और अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में नो टाइप करके कमेंट कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। और दोस्तों, आपको इस चैनल पर और भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो मिलेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बॉक्स प्रो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक और साथ ही आपको प्रोग्रामिंग का भी वीडियो मिलेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट बेसिक में बिलिंग सिस्टम कैसे बनाए, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाए और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स का वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिलेंगे। दोस्तों, इन सभी प्रोग्राम्स का जो है कोड के साथ, डिजाइनिंग के साथ सभी कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो आपको मिलेगा। तो इन सभी ट्यूटोरियल्स वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और या आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी इन सभी वीडियोज को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, एक साल के अंदर जितना भी परचेस, सेल्स, पेमेंट्स, रिसीव या अन्य कोई लेन देन यानी कि ट्रांजेक्शन होता है उसका डिटेल्स रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अकाउंटिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, अकाउंटिंग जो है दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो है हमारा मैनुअली यानी कि पेपर पर। दोस्तों, पहले के ज़माने में या अभी भी कहीं कहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि मुंशी होते हैं। मुंशी जो है अपने सभी ट्रांजेक्शन्स को, अपने व्यापार से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होता है या लेन देन होता है उसको वे अपने खाते में यानी कि जो व्यापार का एक पर्सनल खाता है उसमें लिख करके रखते हैं, उसको हम लोग मैनुअली अकाउंटिंग कहते हैं। और दूसरा जो है कंप्यूटराइज, यानी कि दोस्तों कंप्यूटर के द्वारा टैली, मार्क, एक्सेल ये सभी जो है सॉफ्टवेयर है एक तरह के, जिनके द्वारा अपने बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन्स डिटेल्स को स्टोर करके रखते हैं और मैनेज भी करते हैं। तो ये जो है हमारा दूसरा तरीका है जिसके द्वारा हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो आई होप कि आप इन दोनों तरीकों को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।